बस मेट्रो ट्रैवलर्स बिकॉज वी वांट हरी भरी में आ गए हरी भरी में आ गए क्योंकि बारिश का आने का चांस है तो हम लोग यहाँ पे आना पॉसिबल इम्पॉसिबल है चांस ही नहीं था मैंने आपको बताया था बारिश रुकी है करके लेकिन आधा घंटे में बारिश का इतना मौसम बदल गया तो हम लोग हरी भरी में मैंने थोड़ा सा खाना खा ली अगर आप दुकान देखते देखिए अगर आप वहाँ पर ना हाँ तो वहाँ पर फॉग है मतलब जो हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं ना वहाँ पर फॉग होने वाला है मतलब वहाँ पर बारिश होने वाली है दौड़ दौड़ के आ गए मैंने ऐसे ड्रेस भी डाली मैंने पैकिंग तो मैंने किया था वैसे ही दौड़ के आ गए चलिए अभी मेट्रो आ जाएगा 4 मिनट में 5 मिनट में आ जाएगा ना पहले हमें भी पता नहीं था जब हम जाने लगे तब आज तो कार्ड था हमारे पास और एक कार्ड है ना तो वो भी रिचार्ज करा लिया क्योंकि उसमें अमाउंट नहीं था तो रिचार्ज करा लिया 50 रुपये थे उसमें 50 रुपये ट्रैवल कर सकते रियली 56 रुपीज़ था कुछ अगर वो लोग 50 रुपीज़ कर रहे रियली ट्रैवल नहीं आते वक्त भी तो कराना पड़ता है ना अच्छा है इसे करा फिर ना ये लोग कैश एक्सेप्ट करते हैं इनको ना ऐसे कुछ पेटीएम वगैरह एक्सेप्ट कोविड टाइम चलिए मिलती हूँ बाद में मेरे दीदी के घर दिखाती हूँ और सबको दिखा सबसे सबसे मिलवाती हूँ ठीक है ओके बाय चैनल आज मैं यहाँ से दूसरी जगह से आप देख रहे होंगे ये जगह ही दूसरी है मैं अपनी सिस्टर के घर आने का था ना तो आ गई और आपको बताया भी था कि यहाँ आने वाली हूँ यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है उनके 2 बच्चे हैं एक तो एक सीए कर रही है बेटी सीए कर रही है और बेटा जॉब कर रहा है तो उसका भी एमसीए हो गया है तो वो जॉब कर रहा है मेरे जीजाजी भी बैंक में थे तो अभी तो बैंक में वर्क कर रहे थे तो आज मैं यहीं रुकने वाली हूँ 2 दिन के लिए रुकने वाली हूँ कल हम किसी रेस्टोरेंट पे खाने पे जाने वाले हैं और थोड़ा बहुत यहाँ इधर उधर थोड़ा सा शॉपिंग ज़्यादा नहीं मुझे एक बैग लेने का था जो देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पास छोटा बैग नहीं था कपड़े लाने के लिए तो इसलिए मैं इस बैग में लेके आ गई तो इसके लिए एक छोटा सा बड़ा बैग तो है लेकिन छोटा बैग क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई तो बैंगलोर में ही जो दूसरी जगह पे आ गई हमारे घर से 20-25 नहीं 30 किलोमीटर हो जाता है तो वहाँ पे आ गई तो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा स्मॉल किट तो चाहिए ना किट बैग जो रहता है थोड़ा एक 4-5 कपड़े डालने वाला नहीं तो 10 तक कपड़े डालने वाला बैग चाहिए था वो नहीं था मेरे भाई के पास भी नहीं था मेरे पास मेरा है लेकिन चेन्नई में थे ना तो इसमें डाल के आ गई इसलिए मैं सिस्टर को पहले बोली आप मुझे किसी बिग बाज़ार में लेके जाइए क्योंकि बिग बाज़ार का कार्ड तो मेरे पास है नहीं तो किसी मॉल में ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे ना यहाँ की नज़ारा दिखाती हूँ आपको रूम्स वगैरह कैसा है इसकी बड़ी घर है मेरी दीदी के बड़े घर है ऊपर ये देखिए ये एक रूम है यहाँ पे लाइट ऑन ये एक रूम है ऊपर का ये देखिए और यहाँ पे उनकी जो सास रहती है वो यहाँ पे सोती है तो उनकी बेटी भी कभी कभी यहाँ पे स्टडीज़ में बैठ जाती है तो ये देखिए उनके कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे रखा है नहीं इधर कंप्यूटर था पहले मैं वही सोच रही थी अभी तो कंप्यूटर उन्होंने दे दिया लगता है अभी तो लैपटॉप में ही सब लोग करते हैं ना तो यहाँ पे स्टडीज़ पे यहाँ पे बैठ जाती है स्टडी के लिए स्टडी करने का है तो यहाँ पे बैठ जाती है और यहाँ पे एक
आपको ये जगह सुबह दिखाती हूँ मैं। एक्चुअली ये आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअली ओपन स्पेस था, लेकिन इसे कन्वर्ट करके उन्होंने पूरा क्लोज कर दिया और एक रूम जैसे बना दिया। ये देखिए यहाँ पे एक कॉट भी लगा दिया है और ट्रेडमिल भी है यहाँ पे, और इधर बैठकर आराम कुर्सी जो है वो भी है, इधर बैठ सकते हैं। और ये पूरा क्लोज कर दिया, पहले तो ओपन था, ये एक रूम भी हो गया ना, तो यहाँ पे एक रूम बन गया। यहाँ से ये एक्चुअली बालकनी जैसा था लेकिन उसे रूम बना दिया। डोर क्लोज कर देते हैं। मेरी नेल पॉलिश तो कलर दूसरे ही लग रहे हैं। नहीं अच्छा है ना नेल पॉलिश का कलर? मैं तो ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, फिर भी अच्छा लगने का लगा है। आजकल कभी कभी कहीं जाती हूँ तो लगाने का मन करता है, लेकिन काम में कभी भूल जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। अर्जेंट में कहीं जाने का है तो टाइम नहीं मिलता है। अच्छी है ना कलर? और ये रूम मैंने आपको दिखाया ना, वही रूम है, पहले दिखाया था, ये दूसरा रूम है। यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम भी है, वॉशरूम है, और ये जो रूम है ये तीसरा वाला, ये से मैंने आपको क्या एक किया था, स्टार्ट ब्लॉग तो स्टार्ट वहीं से किया था। ये वॉशिंग स्पेस है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, ये सब जो भी चीज़। ये एक्चुअली एक किचन जैसा ही बना दिया है। यहाँ पे आप अगर कोई रहता है तो कोई आके ऐसे भाड़े पे देने, रेंट पे तो दे नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही रहेंगे तो किचन जैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये जो रूम है के बेटे का है, लाइट लगाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डंबल्स वगैरह रखा है उन्होंने, जो वेट लिफ्टिंग में यूज़ करते हैं ना, वो जिम पे जाता है। इसका रूम तो इधर उधर पड़ा रहता है, उसकी मम्मी आके पूरा ठीक कर देती है। यहाँ पे एक टीवी है, बड़ा वाला टीवी तो नीचे हॉल में है, आपको दिखाती हूँ। तो ये जगह थोड़ा सा जगह यहाँ इधर उधर घूमने के लिए पैसेज जैसा है दिया है। डुप्लेक्स में आप अंदर से चढ़ के आने का, ये ऊपर का रूम्स तीनों ऊपर है, नीचे एक रूम है, आपको दिखाते हैं स्टेप्स से नीचे जाने के लिए। ये जो शू रैक्स जो है उसकी कबाड़ जैसे बन गया, कबाड़ तो बाहर था ये पहले, अभी अंदर लगा दिया उन्होंने। नीचे का जो घर के एंट्रेंस में जो है ना, उसके बाजू में ही एक रूम है, तो ये नीचे का रूम है। यहाँ पे एक कबाड़ है, यहाँ पे मेरे जीजा जी सो जाते हैं, सोते हैं, उनका रूम है। ये तो किचन देख सकते हो, दीदी के घर की किचन है, बहुत ही बड़ा है, इतना सामान रख सकते हैं कि इतना बड़ा है कि आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बड़ा है। और हॉल में आप देख सकते हो मेरे नीस है, मेरे दीदी है, जीजा जी है, उनकी मम्मी बेटी है, पूरा लोग बहुत दिनों के बाद हम लोग गए हैं, तो बातचीत करते हैं। और अभी खाना भी रेडी हो गया, खाने में डोसा रोटियां थी, चावल नहीं थी। ऑलरेडी आपने ये डाला क्या मास्क? तो हम लोग अभी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा तो मैं वीडियो बना नहीं सकती, थोड़ा सा बना लेती हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं बाद में। किस में जा रहे हैं? कार, कॉफी कार में। क्यों? चलिए मिलती हूँ बाद में। बाय।
क्या किन्ना पानी पूरी है किन्ना स्टार्टिंग है ये ना पानी पूरी बनता है पानी पूरी आ गया लोग नोड देखते हैं लेनी थे आज आदमी हेड हां वहां पे कुछ है तो देख सकते हैं अच्छा पहले हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हम लोग आ गए में यहाँ पे बफे में कुछ भी खा सकते हैं पहले तो हमें पानी पूरी आ गया तो पानी पूरी दिखा रहे हो अभी तो खा रहे हैं ये दीदी का बेटा है नवी है ये दीदी है और जीजाजी है अच्छा पानी पूरी के साथ पिज्जा भी आ गए एक एक पीस पिज्जा पिज्जा बेका वन पीस चलो ना पिज्जा सो दिस इज पोटैटो काजू स्पाइसी कुछ नाम है मुझे भी पता नहीं है बस दो पीस मैंने डाल दिया है डलवाया है तो जो भी मेन कोर्स में है उसमें मैंने पूरा ले लिया है थोड़ा थोड़ा ले लिया है और भी चीज़ें हैं मैं आपको बाद में डाल के दिखाती हूँ ठीक है तुमने क्या कहा अभी तुम्हारा हो गया क्या हाँ और मेन कोर्स का मेन कोर्स लेना है अभी जाने का है भैया के साथ आई लाइक द मोस्ट गुलाब जामुन इसमें रोस्टेड रोस्टेड हाँ हम तो वेज खा लेते हैं ना तो आज जो भी है भूख लग रहा है अभी भी पेट पे पाइन एप्पल और सुबह पनीर तो तूने खा लिया बहुत पनीर मैं दो बार खाया है ठीक है मेन कोर्स में और भी डिशेस था तो और ये आप देख सकते हो सैलड्स और नूडल्स पूरा जो भी था वो थोड़ा थोड़ा सा ले लिया और ये डेजर्ट्स आप देख सकते हैं इतनी तरह की आई मीन वैरायटीज ऑफ डेजर्ट्स था केक्स उसमें फ्रूट्स भी है सैंडविच भी है बहुत ही था सब ले लिया भाई कैसा था बहुत हैवी है हाँ हैवी है बहुत ये देखो ठीक है आपने यार कितना भरा है मैं पूरा एक एक लेके आ गई तो हम दोनों मिलकर एक फोटो निकालेंगे यार बहुत भर गया है पेट अब तो भर गया क्या वॉक करेंगे मॉल में जाएंगे सिर्फ एक खाना है मेरे को क्या और वो है आइसक्रीम बस साथ में होगा नहीं थोड़ी देर टाइम गैप दे दे के खाएंगे ना एंड में आइसक्रीम भी ले ली हमने और रात हो गई घर भी आ गए थे हम लोग रात को थोड़ा सा हमने वहाँ शॉपिंग के लिए गए थोड़ा सा स्वीट्स ले ली क्योंकि मुझे घर लेके जाने का था हमारे एरिया में इतना स्वीट्स शॉप तो नहीं था इसलिए वहाँ पे बेकरी भी था और स्वीट पे स्वीट्स भी था केक्स भी था थोड़ा सा ले ली हमने और शॉपिंग ही गुड मॉर्निंग हम लोग दीदी के घर से निकल रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह अगर जल्दी जाएंगे तो ओला का भी कम रेट में मिलेगा और मेट्रो में तो जाने ही रहे क्योंकि मेट्रो में मेरा थोड़ा लगेज मैंने कुछ लिया वहाँ पे फिर तेरा पाँव ये हो जाएगा दरवाजे के तो इसलिए ओला ऑटो में जाएंगे टैक्सी में नहीं ये तो बैंगलोर के तो जा सकते ऐसा कुछ नहीं कल का होटल बहुत अच्छा था खाना भी बहुत अच्छा था हमने दो दिन एंजॉय भी किया है तो उसके बाद तो एज यूजुअल हो जाता है अभी इसका क्लास भी है अटेंड करेगा 9:40 को है मम्मा 9:40 को है नहीं नहीं 9:40 को है 9:40 को है तो चलिए मिलते हो अगले व्लॉग तक हमारी वेट कीजिए टिल देन टेक केयर बाय बाय और प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड देन व्हाट And watch, please watch the Vlogs.